एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। दीपावली का त्यौहार पूरा देश इस वक्त मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा में मौजूद हैं। पीएम मोदी जवानों को संबोधित भी करेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे। पीएम मोदी की कोशिश ये संदेश देने की है, जब दिवाली के मौके पर हमारे जवान सीमा पर डटे हुए हैं तब भी पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अलग अलग तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, ये पहली तस्वीर आज की है। आज दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री जवानों के बीच है, लेकिन उससे पहले भी कब कब जाते रहे हैं। 2020 हो, 2019 हो, 2018, साथ ही और भी तस्वीरें आपके सामने हैं, जब कई मौकों पर प्रधानमंत्री खासतौर से त्योहारों के मौके पर जवानों के बीच पहुंचे हैं। लगातार 2014 से लेकर 2021 तक की ये तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री जवानों के बीच उनका हौसला बढ़ाने के लिए, और ऐसे समय पर जब देश अपने घर अपने परिवारों के साथ होता है तो प्रधानमंत्री ये संदेश लेकर पहुंचते हैं कि आप मेरा परिवार हैं। और ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर है जब दिल्ली से निकले प्रधानमंत्री, लेकिन ये तस्वीर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको ये आम काफिला ही लग रहा होगा, ये आम किसी की गाड़ी यहां से गुजर रही है ऐसे ही दिख रहा होगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री का काफिला है। जब प्रधानमंत्री, देखिए, रेड लाइट पर भी रुका उनका ये काफिला, और बिल्कुल जैसे, अच्छा चलिए अब कुछ और तस्वीरें आ रही हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के नौशेरा से। नौशेरा में जवानों के बीच प्रधानमंत्री, मुमकिन है कि आज संबोधित भी यहां से करेंगे, फिलहाल जवानों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे, और अब ये उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने देश के नाम अपना जीवन किया। तो प्रधानमंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी उन्होंने। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यहां पहुंचे और उन तमाम जवानों को उन्होंने याद किया जिन्होंने देश के नाम अपना जीवन दिया है, बलिदान दिया देश की सेवा करते करते, देश की सुरक्षा में तैनात होकर। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आज इन जवानों के बीच उनके साथ बातचीत लगातार कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, उन सैनिकों से मिल रहे हैं जो मुश्किल हालातों में डटे रहते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, और इन्हीं जवानों के हाथ हमारा देश सुरक्षित रहता है। तो इस भाव के साथ, इस मंशा के साथ कि इन जवानों को ये मैसेज पहुंचे कि जब ये यहां अकेले अपने दम पर पूरे देश को संभाल रहे होते हैं तो देश ऐसे हालातों में भी उनके साथ खड़ा रहता है, और प्रधानमंत्री यही मैसेज लेकर इस बार भी पहुंचे हैं कि वो उनके साथ हैं। आप ये ना समझे कि आपका परिवार आपके साथ नहीं, मैं आपका परिवार हूं, और यही कहते आए हैं प्रधानमंत्री हमेशा कि मेरा परिवार ये सैनिक हैं, वो जवान हैं जो अपने घरों से दूर देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं। और ऐसे में बहुत मायने इन तस्वीरों के हो जाते हैं। देखिए, जब अधिकारियों के साथ वो बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं क्या हालात हैं, किस तरह की चुनौतियों का सामना जवान हमारे कर रहे हैं, इन ऑपरेशंस को लेकर वो लगातार बातचीत करते रहे हैं, नज़र हमेशा प्रधानमंत्री की होती है। और आज भी जब वो पहुंचे, हालांकि हल्का फुल्का अंदाजा ज़रूर देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री का, क्योंकि वो उनसे बातचीत करेंगे, उनके बीच खाना खाएंगे, दिवाली की मिठाई उनसे शेयर करेंगे। इससे पहले 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से वो अपने इसी तरीके के अंदाज से सबको चौंकाते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि इन जवानों को वो अपना परिवार सिर्फ समझते नहीं है, किस तरह से वो सिर्फ कहते नहीं है बल्कि उनके बीच पहुंचकर वो अपनी बात को पूरा करते हैं। और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, नीरज राजपूत जो वहां से हमें सभी जानकारी दे रहे हैं उनका मैं रुख कर लेती हूँ। नीरज, कुछ देर पहले की तस्वीरें तो हम अभी देख रहे हैं, लेकिन अभी क्या अपडेट वहां से आपको मिल रहा है? बिल्कुल शरीन, जो पीएम मोदी हैं वो पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप हम लोग लगातार बता रहे हैं, जो सैनिकों से जो मुलाकात का सिलसिला उनका अभी इस वक्त चल रहा है,
और खुद उन्होंने जो वॉर मेमोरियल है जो वहाँ पर नौशेरा में है वहाँ पर जाकर जो वीरगति को प्राप्त हुए सैनिक हैं भारतीय सेना के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये वही सेक्टर है जहाँ पर 1947-48 में पाकिस्तानी सेना के साथ एक बड़ी जंग लड़ी गई थी नौशेरा सेक्टर में, क्योंकि नौशेरा तक जो थी पाकिस्तानी सेना और कबीलाई जो थे पहुँच गए थे, उनको पीछे खदेड़ने का काम भारतीय सेना ने किया था इसी सेक्टर में, नौशेरा सेक्टर में, जिसमें ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर कहा जाता है। उन्हीं ब्रिगेडियर उस्मान की नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ दिया था और इस एरिया में यानी कि नौशेरा सेक्टर में जो भारतीय सेना का अधिकार हो गया था। और उसी के बाद से लगातार हम लोग देखते हैं पाकिस्तान की कोशिश होती है कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन थोड़ी कम होती है, यहाँ पर बैट एक्शन जो बॉर्डर एक्शन टीम है पाकिस्तानी सेना की वो यहाँ पर अपने ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा करती है और उनकी कोशिश होती है, क्योंकि इस बॉर्डर एक्शन टीम में आतंकी भी होते हैं और साथ ही पाकिस्तान के जो कमांडोज होते हैं SSG कमांडोज होते हैं वो मिले जुला स्वरूप होता है, तो वो आकर भारतीय सेना की चौकियों पर हमला करते हैं, ये हमने कई बार देखा है। इसलिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है और इसी वजह से जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने पूरी सिक्योरिटी का जायज़ा लिया, खुद जो फील्ड कमांडर्स हैं उनके साथ मुलाकात की, उनसे बातचीत की कि क्या क्या मुश्किलात यहाँ पर आती हैं, क्या क्या चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं और किस तरह से वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, इस सब की जानकारी जो फील्ड कमांडर्स थे वहाँ पर ब्रिगेडियर जो कमांडर है ब्रिगेड कमांडर हैं या फिर जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, जो कि जैसा कि हमें देखने में लग रहा है कि जो ग्रेनेडियर्स की बटालियन है वहाँ पर उनको जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं, खुद उनसे पूरी डिटेल ले रहे हैं, क्योंकि इसी एरिया के बेहद करीब जो पुंछ और राजौरी का जो सेक्टर है जहाँ पर 11 अक्टूबर के बाद से दो बड़े ऑपरेशन हुए जिसमें 9 सैनिक जो है वीरगति को प्राप्त हुए, तो उस सब के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से जो आतंकी हैं वो यहाँ पर घुसपैठ कर चुके थे या करा उन्होंने और किस तरह से उनका सामना जो है भारतीय सेना कर रही है, इन सब के बारे में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है नीरज, आप रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी हम बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए, मेजर जनरल AK सिन्हा सर और मेजर जनरल AK सिवात सर, दोनों ही हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। AK सिन्हा सर, क्या मैसेज जाता है पूरे देश भर में, और सिर्फ देश की नहीं, मैं उन देशों की भी बात करूंगी जिन देशों की गलत निगाहें हमारे बॉर्डर पर होती हैं, हमारे देश की शांति हमारे देश की सुरक्षा पर होती है। जब प्रधानमंत्री ऐसे मौकों पर, जब देश के लिए खास मौका हो, जवानों के बीच पहुंचते हैं, तो क्या मैसेज जाता है? देखिए सर, जो मैसेजिंग है खास करके जो आपके एडवर्सरीज हैं, चाहे वो चाइना ले लें या पाकिस्तान ले लें, और पाकिस्तान का जो हादा फ्रंट हम और कहते हैं जो आतंकवाद का है उनका, तो ये मैसेजिंग तो एब्सोल्युटली क्लियर है और इस क्लियरिटी को आप देखिए वो जमीन पे दिखाई देती है। जब आप प्रधानमंत्री आते हैं इन इलाकों में और वो खास करके चुनते हैं जो नौशेरा का इलाका उन्होंने चुना है इस बार, वो एक सिंबलिक केवल नहीं है कि LOC के ऊपर में है या वो बहुत नज़दीक है LOC से, वो इलाका आज के दिन में यदि आप 2.5 फ्रंट की हम बात करेंगे तो आतंकवाद का यदि पाया करना है, कोई यहाँ से लेकर के पुंछ पूरी तक का इलाका जो कृष्णा घाटी का इलाका आता है वहाँ पर थोड़ी एक्टिविटीज ज़्यादा है ऐसा माना जा रहा है। 313 एक ब्रिगेड है जो पाकिस्तान ने खड़ा किया है आतंकवादियों का, और उसमें भी वो तालिबानी वो भी शामिल हैं, वो कट्टरते लोग शामिल हैं जो कि इस इलाके में आपने सुना जिस तरह से ऑपरेशन चला और हमें बहुत बड़ी शहादत देनी पड़ी है, तो ये जद्दोजहद वहाँ चल रही है और ये जद्दोजहद केवल वहाँ नहीं, ये मेंढर का इलाका ले लें, बिम्बर गली का इलाका ले लें, थाना मंडी, क्योंकि यदि हम यहाँ पर कामयाब होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आतंकवाद का जो आखिरी प्रहार कहते हैं उस प्रहार को करने में हम कामयाब रहेंगे, तो बहुत बड़ा है मैसेज। और उनका जो ये सिलेक्शन है जो इस इलाके का मैं जाना और लोगों से बातचीत करना, नौशेरा के ब्रिगेड कमांडरों से बातचीत करना, देखिए ये मैं उनकी सोच की, उनकी वो जो समझ की या जो उनको एडवाइस करते हैं उसकी बहुत बड़ी इसमें भूमिका है। आपने पूछा कि क्या क्या मैसेजिंग देते हैं, हमने तो चाइना को तो आपने तो दे ही दिया, चाइना जिस तरह से बैकफुट पे है और वो समझ रहा था कि वो पाकिस्तान के साथ मिल करके चाहे भारत को दबा देगा, और भारत जो एक विजय होकर निकला है, देखिए ये चीज़ें चलती रहती हैं, शहादतें होती हैं, हमारे पास एडवर्स भी सिचुएशंस आएंगे, बस एडवर्स सिचुएशन से विजय होकर निकलना और बहुत बड़ा है। भारत सेनाओं का जो चीज़ें ये मैसेजिंग जो समझते हैं, सामरिक दृष्टि को समझते हैं, पूरे विश्व में जिस तरह से उभर के आई है भारत, और उसका एक स्तंभ होता है जो कि उस स्तंभ में फौज का एक बहुत बड़ा योगदान, सामरिक बहुत बड़ा योगदान है, और हम आप उसी समय सुरक्षित होंगे कि उसी की कड़ी में एक पहला कदम मैं मानता नहीं, ये एक
दोहराया हुआ कदम है, बार बार करता हुआ कदम है और ये मैसेजिंग बहुत क्लियर है पूरे विश्व के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मेजर श्रीवास्तव। आप भी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत स्पष्ट ये मैसेज है पूरे देश के लिए और उन देशों के लिए भी, क्योंकि मौका कोई भी हो हमारे जवान अकेले नहीं है और ये सिर्फ कहते नहीं है प्रधानमंत्री, ये हर बार करके दिखाते हैं उनके बीच पहुंचकर। हाँ बिल्कुल, देखो शरीन इसमें कोई शक नहीं। देखो पहली बात तो आज भारत बहुत थैंकफुल है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। अगर आज हम सुरक्षित हैं अपने घरों में तो उसका श्रेय जाता है भारत की फोर्स का, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस का, जो कि अभी लगे हुए हैं बॉर्डर एरिया पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। पर ऐसे मौके पे भारत के प्रधानमंत्री उनके पास जाना, वो दिखलाता है कि अगर फेस्टिवल है आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ मैं हूँ, आपकी फैमिली मैं हूँ, तो एक बहुत बड़ा मैसेजिंग है। और ये मैसेजिंग जो है मोरल को बड़ा हाई करता है जवानों के। जब आपका प्रधानमंत्री आपके साथ है उससे ज्यादा आप क्या सोच सकते हैं। तो एक तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि आज की तारीख में जबकि सबसे बड़ा त्योहार है भारत देश का, उस समय प्रधानमंत्री आपके साथ है तो आप जो है अपना मनोबल इतना बढ़ जाता है। हर जवान चाहता है अपनी जान तक निछावर करे देश के लिए। और दूसरा कहीं ना कहीं मैसेजिंग है पाकिस्तान और चीन के लिए कि ये जो कार्रवाई अभी पाकिस्तान, आपको मालूम है ये 6000 से 8000 के करीब लश्करे तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, अब वो फ्री हो गए और उनके पास अभी आधुनिक हथियार भी आ गए हैं, M4 और M16 राइफल जो अमेरिका छोड़ गया अफगानिस्तान में, और वो अभी POK में बैठे हुए हैं, लॉन्च पैड भरे हुए हैं। तो वो कोशिश करेगा पाकिस्तान कि उनको भेजने की भारत में। और ये जो अभी एक दस्ता चला हुआ है नौशेरा और रजौरी के इलाके में, हो सकता है ये कहीं ना कहीं तालिबान के जो अफगानिस्तान के साथ आतंकी हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं इनका गठबंधन हो। तो सच्चाई यह है कि आज जब पहुंचे हैं प्रधानमंत्री वहां पर तो एक बहुत मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट की है कि हम अब जो आतंकवाद का सफाया करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, हम इसको खत्म करके ही रहेंगे। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये चंद एक 1.5-2 साल में बदला हुआ भारत, बदला हुआ जम्मू और कश्मीर, यह भी एक चीज बड़ी शरीन माननी पड़ेगी। जो आज जम्मू और कश्मीर है वो आर्टिकल 370 और 35A के बाद एक प्रकार से डेवलपमेंट के मोड पे है, डेमोक्रेसी आ गई ग्रासरूट लेवल पे, पंचायत इलेक्शन हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन हुए हैं, अभी कुछ चंद एक समय में वहां पर इलेक्शन होंगे आपके। और ठीक है सर, मैं इस पर भी बात करूंगी। जो आप कह रहे हैं ना जम्मू कश्मीर इस वक्त किस तरीके से विकास की राह पर है, लेकिन रोड़ा अटकाने वाले लोग कम नहीं है, उनको भी किस तरह से ये एक मैसेज होगा इस पर मैं आपसे आगे आके बात करूंगी। देख रहे हैं और अब अजय बाचलू भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, मैं सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौशेरा में मौजूद है जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए, क्या कुछ वहां से आपको जानकारी मिल पा रही है? और देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से ही दिवाली जो है वो अलग अलग सरहदों पर मनाते रहे हैं और इस बार उन्होंने नौशेरा सेक्टर को चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नौशेरा में है। सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो नौशेरा का बहुत ज़्यादा महत्व आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से 11 अक्टूबर से रजौरी पुंछ में लगातार ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ जो जंगल हैं उनको, वहाँ आतंकियों को खोजने के लिए, और खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रजौरी और पुंछ सेक्टर में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लॉन्च पैड्स वहां एक्टिव किए हैं पाकिस्तान में ताकि सर्दियां बर्फ गिरने से पहले घुसपैठ कराई जा सके। ऐसे में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए ये एक अहम कदम है। और यहां से यह भी बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो वहां पर जो ट्रूप्स हैं उनको भी शायद एड्रेस करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कड़ा संदेश हो सकता है वो पाकिस्तान को भी दे क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है सुधर नहीं रहा है, पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं वो बदस्तूर जारी हैं। तो ऐसे में सामरिक दृष्टि से जो नौशेरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में नौशेरा जाकर दिवाली मनाना, वहाँ ट्रूप्स के साथ बैठकर बात करना। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट खबर वो ये भी आ रही है कि क्योंकि आर्मी चीफ जो हैं वो कल ही बता रहे हैं कि जम्मू पहुँचे हुए थे और नॉर्दर्न कमांड के जो GOC हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार वो वहाँ पर प्रधानमंत्री जो हैं वो वहाँ
पर जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसकी भी समीक्षा करेंगे। आर्मी के जो कमांडर्स हैं उनसे लगातार वो वहां बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह न केवल सेना पाकिस्तान के नापाक इरादों को निस्तनाबूद कर रही है बल्कि किस तरह का बर्फ गिरने से पहले किस तरह का वहां पर जो तंत्र है सुरक्षा का तंत्र बनाया गया है ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का वहां पर मिठाई का जो बांटने का प्रोग्राम है ट्रूप्स के साथ ये कहीं ना कहीं बड़ा मॉरल बूस्टिंग फैक्टर रहेगा वहां पर जो तैनात जवान है क्योंकि वहां पर परिस्थितियां विपरीत है, चाहे वो भौगोलिक परिस्थितियां हैं या मौसम की परिस्थितियां, दोनों इस समय विपरीत है, ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है दिवाली पर और सर्दियां आने से पहले। श्री तस्वीर के साथ हमारे सामने है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौशेरा सेक्टर में है, जम्मू कश्मीर का नौशेरा सेक्टर, जहां पर वो जवानों के बीच उनसे इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने उन जवानों को भी याद किया जिन्होंने देश के नाम अपनी शहादत दी, साथ ही आज उन्हीं के बीच रहकर दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौशेरा सेक्टर में। उससे जुड़ी तस्वीरें जो भी आ रही हैं सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे ही आप समझ रहे हैं कि आखिर इन तस्वीरों के मायने क्या हो जाते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसे मौके पर जब एक बड़ा त्यौहार है देश का उस बीच जवानों के बीच वो पहुंचते हैं तो क्या मैसेज लेकर वो वहां पर जाते हैं, उनकी हौसला अफजाई कैसे होती है, उनके बीच क्या मैसेज पहुंचता है, इन तमाम बातों पर हम जिक्र भी कर रहे हैं, इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, देखिए कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं। नौशेरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जवानों के बीच मौजूद हैं। तो देखिए आपने वो तस्वीरें जब जवानों का हौसला अपने आप में दिखाई दे रहा था, उनका जोश, तो देखिए जवानों का जोश भी देखने के लायक है इस वक्त, किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री उनके बीच जब पहुंचे हुए हैं तो उनका उत्साह भी बढ़ा हुआ है, हम इसी उत्साह की बात कर रहे थे। ABP News, आपको रखे आगे।